हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार झा और आप देख रहे हैं विपिन झा मिथिला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये ओएसएल का ट्रक एक्सीडेंट हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, मारुति कार के लिए ट्रक का खासियत ये है कि ऐसे ये पलटी नहीं करता है। जब रोड के किनारे इस तरह का खड्डे मिलता है तब जाके गाड़ी पलटी कर जाता है, क्योंकि अगर प्लेन रोड होता है उसमें अगर पूरा लेफ्ट साइड से राइट साइड काटो या राइट साइड से लेफ्ट साइड काटो तो ये पलटी नहीं करता है। वहीं पे अगर बॉडी वाली गाड़ी या छोटी गाड़ी को अगर मारो तो वो पलटी कर जाता है, क्योंकि उनका ज़मीन से ऊपर हाइट ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ये ज़मीन से नीचे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इस तरह का पलटी नहीं करता। इस तरह का पलटी वो तभी करता है जब रोड के नीचे में इस तरह का खाई आपको दिखाई देता है। तो मैंने इससे पहले भी दो वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। देखो, इस तरह की गाड़ी पलटी कर जाए, इस तरह के एक्सीडेंट में क्या होता है दोस्तों, ड्राइवर को हल्का चोट लग जाता है लेकिन गाड़ी का नुकसान होता है। अंदर गाड़ी के अंदर जो कार वगैरह लोड होता है उनका नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की दुर्घटना से दोस्तों ड्राइवर का भी नुकसान होता है, सेठ का भी नुकसान होता है। लेकिन कई बार जो इससे पहले जो पीछे दो वीडियो बनाया था उसमें ड्राइवर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, एक ड्राइवर का डेथ भी हो गया था। तो इस तरह का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, आगे मैं आपको और भी कुछ बताने जा रहा हूँ। अरे दोस्तों, इस तरह का एक्सीडेंट जो भी आपने देखा अभी वीडियो में, इस तरह का एक्सीडेंट लापरवाही या नींद के कारण ज़्यादातर होता है, क्योंकि ड्राइवर शरीर थका हुआ रहता है, रात में आराम नहीं करता, इसी वजह से इस तरह का एक्सीडेंट होता है। इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।